कुर्सी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे मुद्दाएं हैं जो कि आज छात्र लेकर यहां पर बैठे हैं। इसे हमारा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा होने वाला है कल, और आज तक प्रवेश का जो प्रवेश पत्र है वो अभी तक बना नहीं है, और छात्र दूर दराज से आकर विश्वविद्यालय में परेशान हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड और विश्वविद्यालय के से चिपराक्टर और कुलपति विश्वविद्यालय में है नहीं, और वो कोविड का बहाना लेकर कहीं अपने आवास में छिपे हुए हैं। और ये विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया बहुत देरी से चल रही है, और जो कल पेपर होने वाला है उस पर वो पेपर आज तक उसका प्रवेश पत्र नहीं आ पाया, और छात्र परेशान है। इसी मांगों को लेकर आज सब समस्त छात्र नेता प्रत्याशी जो भी हैं यहाँ पर आज विश्वविद्यालय के खिलाफ कुलपति आवास का घेराव किए हैं। और जब तक हमारी मांग यही, जब तक कुलपति यहाँ पर नहीं आकर हम लोग से वार्ता नहीं कर लेते और ये एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ाते थे, तब तक हम यहाँ इस स्थान से नहीं उठेंगे। क्या इस बारे में आप लोगों ने एक बार भी कुलपति जी से संज्ञान में नहीं देना चाहिए, संपर्क नहीं कर? कुलपति जी के संज्ञान में, कुल सचिव जी के संज्ञान में, चिपराक्टर जी के संज्ञान में, ये एक बार नहीं सैकड़ों बार ये दे दिया गया है, लिखित दे दिया गया है कि अपने जो नियमितता है विश्वविद्यालय को उसको सुदृढ़ कर ले, लेकिन ये अभी तक कुछ उसमें हो नहीं पाया है। केवल हीवा हवाली देने का काम छात्रों किया जाता है, और छात्र तमाम बार से परेशान होकर आज मजबूर हुए हैं धरना पे और कुलपति जी का आवाज घेरने के लिए। क्या शुभ नाम? मेरा नाम गौतम मिश्रा है, मैं यहीं का छात्र नेता हूं और पूर्व में छात्र संघ उपाध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूं। मान लीजिए अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो क्या होगा? अगर मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये छात्र हैं, और छात्र किसी को रोके रुक नहीं सकते। यहां पर जो पुलिस प्रशासन आई है वो हमको भी रोकने का प्रयास करे तो रोक कर देख ले। ये कुलपति जी का पीछे आपको गेट दिख रहा है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और कुलपति जी को भी बाहर निकालने का काम करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है, मैं वर्तमान में छात्र महामंत्री हूँ। आज धरना देने का मकसद यही हम लोग का है कि पता है आपको कि 4 से 10 तक सीओटी का पेपर है होने वाला है, और उस सीओटी का पेपर यूजी के लोग देते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि 4 तारीख 5 से लेकर 10 तक सीओटी का पेपर है, और उसी बीच धरने लोग निकाल दिए कि एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएंगे, और एंट्रेंस एग्जाम में गाजीपुर, बलिया, चकिया, मिर्जापुर, अलग अलग क्षेत्र से आदमी आते हैं, और एक दिन पहले आप एडमिट कार्ड निकाल लें कितने लड़के पास चल पाएगा ये बात, क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उन्हें ये बात पता नहीं है। आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, जो गरीब दबले के कुछ लड़के हैं वो कैसे पता कर पाएगा? तो हम लोग का मांगे यही है कम से कम एक हफ्ते के पहले आप एडमिट कार्ड निकालें और सूचना जारी करें और कल का पेपर रद्द करें। बड़ा अच्छा सवाल पूछे आपसे, बता दूं मैं वर्तमान में छात्र महामंत्री में बारंबार इनको ज्ञापन दे चुका हूँ, ये कम से कम पदाधिकारी होने के नाते आप लोग मुझे मीटिंग बुलाए कीजिए। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, जब मुझे बुलाएंगे तो आपको बता सकते हैं कि उस डेट में क्या पड़ता है। इन लोग 4 तारीख रखें, 4 तारीख के दिन BFA का एग्जाम BHU में पड़ गया और क्रैश करा था, उधर CUET का पेपर पड़ गया क्रैश करा था। जब आप एक दूसरे में क्रैश करेगा तो लड़के कहाँ जाएंगे? भविष्य खराब नहीं होगी? तो हम लोग बार बार इन लोग 6 दिन 7 दिन मीटिंग करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, धरने करते हैं कि मीटिंग करने के बाद डेट निर्धारित करते हैं। डेट निर्धारित कैसे करते हैं, क्या मीटिंग में करते हैं? मीटिंग में चाय पकौड़ा ये खाते रहोगे, मीटिंग कुछ करते नहीं है। और हम लोग की मांग यही है कल की परीक्षा नहीं कैंसिल होंगे, हम धरना भी देंगे, बड़े बड़े आंदोलन करने बांध दिए होंगे। जी मेरा नाम शिवजनक गुप्ता है, मैं विश्वविद्यालय का वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। आज विश्वविद्यालय में, कल विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तिथि निकाली थी प्रवेश परीक्षा की, कि 7 तारीख को परीक्षा होगी, लेकिन विश्वविद्यालय अभी तक सारे बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। विश्वविद्यालय के डीन हो, प्रैक्टर हो, रजिस्ट्रार हो, VC हो, सब लोग गाजा फूक के मस्त हैं। तो एग्ज़ाम कब? एग्ज़ाम कल ही है, लेकिन आज तक अभी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है। बच्चे गाजीपुर, मऊ, भदोही, अन्य जनपदों से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की कंप्लेन है कि अभी तक विश्वविद्यालय उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। जब तक बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा तब तक बच्चे परीक्षा कैसे देंगे? यही लोग उनको परीक्षा देने से वंचित करेंगे। तो हम लोग का मांग है कि कल का परीक्षा निरस्त किया जाए, और BC के जो BC रजिस्ट्रार, प्रैक्टर जो भी हैं, सब अपने AC चैम्बर से बाहर निकल के हम लोग की बातों को सुने। क्या इस बारे में और कभी किसी दिन आपने चर्चा नहीं की? आज से 4 दिन पहले एक और धरना हुआ था, जिसमें हम लोग ने लिखित अप्लीकेशन दिया था और धरना भी दिया था कि 7 तारीख वाला पेपर कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कल CUET का भी पेपर होना है। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कल का पेपर निरस्त हो जाएगा, लेकिन इन्होंने हम लोग को अंधेरे में रख के कल का पेपर करा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज लोग धरनारत हैं। बातें मानी नहीं गई तो आगे क्या ऐसे ही धरना चलता रहेगा? अगर बातें नहीं मानी गई तो हम लोग प्रशासनिक, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को बंद करके अनवरत धरना जारी रखेंगे।